पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दोपहर को जम्मू पहुंचे, जिसके बाद कई सारे डेलीगेशंस ने उनके साथ मुलाकात की। अलग अलग इलाकों से आए हुए इन डेलीगेशन के सदस्यों ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से उनके सरकारी निवास पर मुलाकात की और अपने इलाके से संबंधित कई प्रकार के मसले मसाइल उनके समक्ष रखे। अलग अलग इलाकों से आए इन डेलीगेशन के सदस्यों ने डॉक्टर सिंह को तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट व पीएमओ में मंत्री चुने जाने पर बधाई भी दी और अपना विश्वास उनमें जताते हुए कहा कि जिस प्रकार से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहले भी उनके तमाम कामों को संपन्न किया है, तो उन्हें उम्मीद है कि आगे भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसी प्रकार से उनके तमाम मसले मसाइल का निवारण करेंगे। आज वो रोड आएगा नवाड़ च, लेकिन उसे सिलेक्ट नहीं किया, उसकी जगह मैं दिता भी नहीं। मेरे चार रोड आए थे, मैंने बोला एक को चाहिए। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी तमाम डेलीगेशंस के साथ काफी समय तक बातचीत की, उनके तमाम मसलों को सुना और मौके पर ही कई मसले मसाइलों का निवारण भी किया। डॉक्टर सिंह ने इस दौरान संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात भी की और उन्हें लोगों से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के निवारण के लिए तत्काल आदेश भी जारी किए। इसके अलावा हीरानगर में 9 जून को हुए आतंकी हमले से पहले अमरजीत नाम के एक शख्स की हत्या के मामले में भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनके परिवार से बातचीत की तथा उनकी आजीविका व भविष्य में उनकी मदद करने के लिए अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए। मैं मेला गांव से आया हूं, हीरानगर तहसील विलेज मेला। 9 तारीख को मेरे भाई को मिलिटेंटों द्वारा मतलब गला रेत के एक हत्या कर दी थी। तो हमें अभी डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई है, हमारे परिवार के संबंधी बल्कि बच्चे की नौकरी के लिए और बेटी की पढ़ाई के लिए और भाभी के लिए बात हुई है और बोला परिवार को जितना हो सकता है हम हेल्प करेंगे। मैंने डॉक्टर साहब से उनके लिए मतलब शहीद का दर्जा मांगा है। मैंने डॉक्टर साहब से उम्मीद करता हूं कि मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि मुझे इस बात का शहीद का दर्जा मुझे मिलेगा। मैंने बोला कि जमीन लैंड जो है वो मैं दूंगा, वो मुझे मतलब कि उसके नाम पे कोई ऐसा पार्क बनना चाहिए और गाँव के बीच जहाँ गाँव स्टार्ट होता है वहाँ पर गेट बनना चाहिए। दूसरा सर, मुझे इस बात को बोलते हुए बड़ी शर्म आती है, आज PDP NC कांग्रेस और तरह तरह की पार्टियां लोगों से वोट लेने के लिए लोगों को मिसयूज करती हैं। आज फारूक अब्दुल्ला की जबान बंद क्यों है? आज महबूब का उसकी जबान बंद क्यों है? गुलाम नबी की जबान बंद क्यों है? और आपने आपको डॉक्टर मतलब कि कांग्रेस बोलती है, राहुल गांधी को आज इस बात की शर्म नहीं आ रही है कि एक हिंदू समाज के बंदे को बेरहमी से काट दिया गया, उसके लिए एक ट्वीट तक नहीं कर सके। ऐसी सरकारों को मेला गांव में आने की किसी को इजाजत नहीं है। अगर मैं रहा तो मैं मेला गांव के अंदर किसी को नहीं आने दूंगा। इनको हमारी मदद BJP ने की है, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हमारे पहले दिन से लेके आज तक हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ हमारा पूरा संजोग कर रहे हैं। मगर बाकी सरकारें कहां गई हैं? सिर्फ लोगों से वोट लेने के लिए हमारे लोगों को आम उनकी क्या कठपुतली है? आज फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं बोला? फारूक अब्दुल्ला 92 में मेरे गाँव में आया था, तब उसने पीर बाबा की जरत पर हाथ रखा था, मैं जीतूंगा गांव में आऊंगा। फारूक अब्दुल्ला जीता, मगर फारूक अब्दुल्ला ने उस गांव में शक्ल नहीं दिखाई। छह फारूक अब्दुल्ला को शर्म आनी चाहिए, फारूक अब्दुल्ला को अमरुद्दुल्ला को आनी चाहिए। पीड़ित महबूबा आज बड़ी बड़ी बातें करती है, साना केस को तो हाईलाइट किया था, इस केस को क्यों नहीं कर सकी वो? जे एक हिंदू लड़के का इस बेरहमी से गला काटा और जैसे हलाल किया होता है कि जे बड़े शर्म की बात है। मैं डॉक्टर साहब के बिल्कुल सेटिस्फाई हूं, हमारे परिवार को डॉक्टर साहब ने बहुत मेरा हौसला अफजाई किया है। हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और नरेंद्र मोदी का तहे दिल से करते हैं, क्योंकि जो हमारे परिवार के साथ जाएगा हम उसके साथ हैं। विभिन्न डेलीगेशनों के सदस्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद काफी ज्यादा संतुष्ट दिखे और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पहले उनके काम होते आए हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बार भी मौके पर ही अपनी
कलम का इस्तेमाल कर उनके समस्याओं का निवारण करना शुरू कर दिया है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि निकटतम भविष्य में उनके तमाम मसले मसाइलों का जल्द ही निवारण हो जाएगा। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू में हैं और ऐसे में बहुत सारे स्थानीय डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं अपने मसले मसाइल लेकर, और इस समय एक और डेलीगेशन जो है वो अंदर से मिलकर आया है। सर, जानना चाह रहा हूँ आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या डेलीगेशन है? हम उधमपुर जिले के मझालता जो है मानसर वाला एरिया वहाँ से आए हैं और इश्यूज यही थे मानसर की डेवलपमेंट हो, जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ है डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, उसमें स्पीड अप हो और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो रोड्स वगैरह हैं और फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो टूरिज्म के लिए बढ़ें ताकि टूरिस्ट आए और लोगों को रोज़गार मिले। इसके साथ ही जो और भी बर्निंग इशू हैं जो हमारे इलाके के, जैसे बिजली पानी को लेकर है और छोटी मोटी समस्याएं जितनी हैं वो सारी चर्चा हुई है अंदर बैठकर, और डॉक्टर साहब ने कहा है कि इन सभी चर्चाओं पर बात रखी जाएगी ऊपर और जितना होने वाला काम होगा वो सारा होगा। इसी के साथ एक्सीडेंटल हॉस्पिटल की बात भी हमने रखी है और उस विषय पर भी बात हुई है, डिटेल में चर्चा हुई है। इसके साथ कुछ और अन्य विषयों पर, जैसे हमारा, जैसे मैंने मानसर की बात की तो देश में लगभग 3-4 साल पहले कोरोना जब हुआ था तब वो आया था, लेकिन किसी कारणवश वो स्पीड अप नहीं हो पाया, तो उस विषय में ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने जो कंसर्न्ड मंत्री हैं उनसे बात की है और अभी भी बात की उन्होंने कंसर्न्ड सेक्रेटरी जो है कि इसको जल्दी से स्पीड अप किया जाए ताकि मानसर जो है उसको और खूबसूरत किया जाए, क्योंकि जम्मू के पास अगर कोई एक एरिया जो है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो मानसर है, जो कि रिलीजियसली भी लोगों से बड़ा कंसर्न्ड है, काफ़ी लोग जो हैं वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ जाते हैं और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं। तो मेन फोकस ये है कि एक तो रोज़गार जनरेट करना, एरिया को डेवलप करना, और जो बाकी जैसे यूथ का मेन फोकस जो है कि उनको किसी ना किसी तरीके से रोज़गार मिले, क्योंकि सरकारी नौकरी हर व्यक्ति को मिलना संभव नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो कोई भी व्यक्ति हो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपना रोज़गार मिले, हर व्यक्ति अपना आय कमाए, उस विषय में डिटेल में चर्चा हुई। आपसे जानना चाहता हूँ सर, आप भी अंदर डेलीगेशन में मौजूद थे, किस प्रकार के रिस्पॉन्स आपको मिले, क्या जो उन्होंने बातें कही आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जैसे कि अभी अभी हम अपने पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी से मिले, हम तहसील मझालता से बिलोंग करते हैं, मैं एक्स सरपंच बलवंत राज शर्मा देवीपणी थलोड़ा से हूँ। जैसा कि अभी हमारे DDC अमित शर्मा जी ने बताया, कुछ हमारी वर्निंग इशू थे, जो कि जैसा कि हमारा एक वहाँ पे तजूर में जो कि चैनी पंचायत में फॉल करता है, वहाँ बड़े सालों से वो इंडस्ट्रियल स्टेट का जो काम है वो रुका हुआ था, वो भी हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है उसको थोड़ा स्पीड अप करें ताकि लोगों को उसमें, यहाँ लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और इसके साथ साथ हमारा जो सांबा से उधमपुर का जो 4 लेन का जो हाईवे का प्रोजेक्ट है वो भी, उसका भी काम धीरे धीरे चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज हो रही है, लैंड पेपर्स बन रहे हैं, तो उसके रिलेटेड भी डॉक्टर साहब ने कंसर्निंग डिपार्टमेंट से बात की है और उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 1 साल के अंदर अंदर ये भी प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। उसके साथ साथ मैंने एक हमारा रेवेन्यू का जो है जो रिसेटलमेंटल है उसका जो बंदोबस्त जिसको हम कहते हैं वो बड़ी देर से हमारा तहसील मझालता का नहीं हुआ है, बाकी एरिया में शायद में भी हो चुका है, उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि उसके लिए भी हम बात करेंगे और वो भी हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। और कुछ हमारी ट्रेनें जो बनवाल स्टेशन में कोरोना से पहले उनके स्टॉपेज थे लेकिन वो कोरोना के दौरान वो रोकी गई थी, वो स्टॉपेज ख़त्म कर दिए गए थे, उसके लिए भी हमने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की है उनको फिर से बहाल किया जाए ताकि जो जो स्टाफ थे वो भी किए जाएं। और इसके साथ साथ और हमारा एक्सीडेंट हॉस्पिटल का एक है तो डॉक्टर साहब ने बोला है वो भी धीरे धीरे हम वो करेंगे, और जो भी हमारे जनरल इशू थे वो डॉक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उनका पूरा किया जाएगा, इसीलिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम सुषमा देवी है, मैं सरपंच बोड़ा की रहने वाली हूँ, मतलब पंचायत बोड़ा की, पहले मैं सरपंच बनी 2018 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे DDC का मैंडेट दिया, तो अब मैं DDC बरनोटी से इलेक्शन जीत के, तो आज मतलब हम डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं, तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो 3-टायर सिस्टम लागू किया, हम ऐसी बिरादरी से जो है बिलोंग करते हैं, तो SC समाज को आगे आने का मौका मिला। डॉक्टर साहब के इलेक्शन में आप लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो चला कि जो SC समाज है वो BJP के खिलाफ है, लेकिन
सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो लाभ दिया है वो एससी समाज को मिला है, पीएमएवाई के मकान हो, हमारी पंचायत में 201 मकान जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और उसके अलावा मैं इस टाइम जो मैं हूँ वो डीडीसी की मेंबर हूँ ब्लॉक बरनोटी से। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो है कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि बायोटेक पार्क डॉक्टर साहब ने हमें आज बरनोटी में बना के दिया है। ये एक छोटी नहीं, मतलब छोटी बड़ी सबसे छोटी उपलब्धि नहीं है, सबसे बड़ी उपलब्धि जो है कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जम्मू हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमें मिली है। और उसके अलावा अभी डॉक्टर साहब जीत के आए हैं जो लखनपुर से बनी को रोड जाने वाला है, जो अनकनेक्टेड पंचायतें हैं हमारी उन सभी पंचायतों को लाभ मिलने वाला है। आज वो यहाँ जम्मू में आए हैं, आपकी मुलाकात हुई, आपको उन्होंने समय दिया, कैसा लगा और किस प्रकार का आपको वहाँ से जवाब? हमें बहुत अच्छा लगा, वो समय हमें पहले भी देते थे, जे लोगों का भ्रम था कि लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब मिलते नहीं हैं, डॉक्टर साहब आते नहीं हैं, जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं। मैं एक डीडीसी की मेंबर हूँ, जे मैं भलीभांति जानती हूँ कि लोगों को टाइम देना, मतलब अगर हमें डेवलपमेंट करवानी है तो हमें ऑफिस में जाना पड़ेगा, और अगर हमें डेवलपमेंट नहीं करवानी है, लोगों को गुमराह करना है, तो हमें लोगों के घर में ही घूमते रहना है, उनके घर में बैठ के चाय पीनी है, लेकिन हमें काम जो है वो डेवलपमेंट के जो हमें काम है वो ग्राउंड दिखता है। तो अगर बायोटेक पार्क मैं बोलती हूँ कि मेरी एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी बरनोटी में डॉक्टर साहब ने दिया है, तो ये छोटी देन नहीं है, सबसे बड़ी देन है डॉक्टर साहब ने जो हमें दी है। और उसके अलावा अभी हमें बहुत बड़ा जो है कि लाभ हमें होने वाला है डॉक्टर साहब से। इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं बनी का पूर्व विधायक हूँ, जीवन लाल मेरा नाम है। हम बनी से आए हैं, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से डेपुटेशन लेकर, और हमारे साथ पार्टी के कार्यकर्ता हैं बनी मंडल, डुगुड़ मंडल, मछेडी मंडल के। और डॉक्टर साहब का हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब ने जो यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, 4 लेन नेशनल हाईवे दिया है, और जिस पर टनल बनेगी, 4000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करने आए हैं। और दूसरा, जिस तरह के कुछ मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए थे जम्मू प्रोविंस में, और डॉक्टर साहब ने क्विक एक्शन किया और इस हमारे पहाड़ी इलाके में आर्मी डिप्लाई की, जिससे लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ, जो भय के माहौल वातावरण बना हुआ था, लोग माइग्रेट होने पर मजबूर हो रहे थे, डॉक्टर साहब ने बहुत जल्दी वहां पर आर्मी भिजवाई, इसके लिए भी हम इनका धन्यवाद करने आए हैं। और बहुत सारे इन्होंने प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट के रखे हैं वो भी, उनको लिए भी हमने कुछ प्रायोरिटीज़ की डिमांड की है कि डॉक्टर साहब उनको प्रायोरिटी में रखें। आज का एक बहुत बड़ा हमारा प्रोजेक्ट, जो हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ही उसको हल करवा सकते हैं, वो है बिलावर से बनी तक बाया देरी गला दलंगल, बीआरओ रोड की बात की है हमने, और डॉक्टर साहब ने एश्योरेंस दी है। एक हमारा धार उधमपुर रोड जो गुजरता है बिलावर से, और दूसरा बसोली बनी भद्रा, ये दो डिफेंस रोड को इंटरलिंक करने वाला रोड होगा, और इसकी लंबाई जो है, जब देरी गला के पास टनल बनेगा तो ये 55 किलोमीटर रह जाएगी, और जम्मू से आने वाले टूरिस्ट के लिए, कठुआ या पंजाब से आने वाले टूरिस्ट के लिए वो शॉर्टेस्ट रूट होगा। और जब ये रोड बनेगा तो हमारे इलाके में रिलीजियस टूरिस्ट, जहाँ फेमस श्राइन्स हैं जैसे दौला माता, जोड़ा माता, नुलानी माता, और भी बहुत सारे हमारा नुकनाली माता, वहाँ पर यात्री काफ़ी तादाद में आएंगे, जिससे इस इलाके की इकॉनमी बढ़ेगी। बहुत खूबसूरत इलाके हैं, ढगर है। क्या आपको क्या रिस्पांस क्या मिला डॉक्टर साहब? देखिए डॉक्टर साहब, जिस काम पर डॉक्टर साहब की कलम उठती है तो वो काम होता है, और पहले भी इन्होंने किए हैं, और डॉक्टर साहब ने हमने पूरा एश्योरेंस दिया है कि पहाड़ी इलाके के जितने भी काम हैं उनको प्रायोरिटी पर किया जाएगा। तो आप भी आज इस डेलीगेशन का पार्ट थे, क्या आपने अंदर इशूज़ उठाए हैं और कैसा रिस्पॉन्स? तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमारे बनी के इलाके में उन्होंने प्रोजेक्ट दिए हैं, और जो हमने इशू जहाँ पे रखे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये डॉक्टर साहब इसके ऊपर नज़रअंदाज करेंगे और हमारे इलाके की जो खूबसूरती है वो चेंज हो पाएंगी। जो उन्होंने आपको रिप्लाई दिया, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? मतलब हाँ जी, हम उससे पूरा सेटिस्फाई हैं, किए हैं उन्होंने काम तभी हम सेटिस्फाई हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें सर, हम तो सबसे पहले अपनी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने के डॉक्टर साहब को अच्छी जीत दिलाई है, और बाकी डॉक्टर साहब ने भी हमारे बनी के एरिया के लिए जो है वो डेवलपमेंट के काम पहले भी बहुत किए हैं, और मज़ीद जो काम रहे हैं उनके लोग कि उन्होंने अपना इंश्योरेंस किया है कि हम जो बकाया काम है उनको भी जल्दी करेंगे। मेरा नाम जो है वो डॉक्टर श्वेता है, मैं डीडीसी हूँ किड़ियांग अंडियाल से, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से।
आज तो वैसे ही डॉक्टर साहब से मिलना था, उनको बधाई भी देनी थी जीत के बाद उनसे पहली बार मिले, और कुछ मुद्दे भी थे जैसे हमारी कुछ रोड की समस्या थी वो डॉक्टर साहब ने सुनी भी हैं और डी साहब को कॉल भी की है, और पूरी उम्मीद है वो कहीं ना कहीं जल्दी ही जो है वो उनका हल जो है वो निकलेगा। जो आज आपकी मीटिंग हुई, आपको लगा कि वाकई में डॉक्टर साहब ने पेशेंट्स ने सुना और मतलब आप सेटिस्फाइड हैं आज की मीटिंग? डेफिनेटली बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छे से सुना है और अच्छे से रिस्पॉन्स भी दिया है। आज हम डॉक्टर साहब को मिले हैं और हम बहुत खुश हैं। हमारे रोड के कुछ काम थे वो हमारी डिस्कस हुई डॉक्टर साहब से, उन्होंने अभी कहा कि जल्दी इनके हम करेंगे। जैसे हमारा रेड उपेश रोड है पीएम जसवाई का, वो इन्होंने रिकमेंडेशन करके पहले भेजा था, उसका सर्वे भी हो गया, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, तो हमें उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इसके ऊपर जल्दी हम कार्रवाई करेंगे। और हमारी पंचायत में जो लोग हैं वो सब सेटिस्फाई हैं डॉक्टर साहब से, इन्होंने बहुत काम किया हमारे गांव में। एक छोटा सा पुल नहीं, बहुत बड़े पुल बनवाए हैं, जैसे मुई नाले का पुल है, जुथाना का पुल है, पीएम जैसे कई रोड हैं, दन्नी टू फरल, रै टू नहीं जखोल टू रै चंगारा, मलामू टू मोटा भी, और जो मेरी पंचायत में पड़ते हैं अरबों के काम लगे हुए हैं। अभी जल जीवन मिशन में 14 करोड़ का काम सिर्फ मेरी पंचायत में लगा, जो फार फ्लांग एरिया है काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, और सब डॉक्टर साहब की देन है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया भी करते हैं कि हमें टाइम भी मिला है और खुद इन्होंने फ़ोन करके हमें बुलाया है। जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मिलते नहीं हैं, ये अपोजिशन वालों ने एक ट्रेंड चलाया था, नैरेटिव सेट किया था, ये कुछ नहीं है, ग्राउंड पे बहुत काम हो रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद जय भारत। सर अज अस आए दे डॉक्टर साहब दे इत्थे रेजिडेंस आए दे जम्मू, और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करने हैं कि उन्हें सारे जसरोटा दे जिन्हें सरपंच और जसरोटा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सर कठुआ के सारे लोग आ दिन अलग अलग डेपुटेशन मिले हैं। डॉक्टर साहब का धन्यवाद, जी मेरे छोटे भ्रा जखोल के सरपंच आखा दिन कि साढ़े जोड़े रोड के काम होने, सड़क हुई जी, विकास के काम होए, मेरे ख्याल से अद्भुत जरा कदम सोच ही नहीं सकता आदमी इन्ने काम होए दिन। लेकिन तुम्हें पता ही है जो अपोजिशन के लोग उनके बाद नैरेटिव सैट करते हालात उस चेंज करने, पर सच्चाई तो सच्चाई ये है कि जो 70 साल काम नहीं काम होए, ओल्ड एज बुजुर्गों की पेंशन मिली, बिडो पेंशन मिली, पहले आखिर बिडो जी है 40 साल के बाद गई होंगी है, चाहे वह बेचारी 18 साल से उसकी मुसीबत पई दी हो, अज सारे एक 1000 रुपया उन्हें पेंशन भी मिला दी, बुजुर्गें भी मिला दी है, लाडली बेटी स्कीमा दीतियां, और इस वजह इलाके जो विकास के कार्य हुए हैं। अज अस जुथाना पुल की भी गल कराने, डॉक्टर साहब ने गल की है कि उन्हें उसी थोड़ा फास्ट किया जा, वो जी कंपनी है या डिपार्टमेंट की डायरेक्शन दी जा, तो डॉक्टर साहब ने डायरेक्शन जीडिया दे दी कि उसी जल्दी को जल्दी उसी पुल कंप्लीट करो, तो जे जिंक बरसात खत्म होंगी है वह बड़ा भव्य एक अस उद्घाटन करके एक अच्छा प्रोग्राम हो जाए। डॉक्टर साहब ने मलाटी हुई अपने मसले मसाइल ही आए थे कि लग्या असें इं लगा जि एक सारा परिवार आता तो अपने घर के बड़े सदस्य अपनी गल रखता, बड़े भ्राएं आ गए जियां भरथ लक्ष्मण शत्रुघ्न आई आखते कि राम जी इं करना इं लगा उस परिवार लेखा, बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा। उन्हें भी आखिया कि मैं MP PM हो जिन्हें मेरे तुम कार्यकर्ता, तू सारे MP हो, तू सारे PM हो, बड़ा अच्छा लगा, उन्हें सू बड़ा प्यार दिता और बड़ा मान सम्मान किया। जय हिंद जय भारत। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ मिले और मिलकर इतनी खुशी हुई कि हमने जो सोचा था उससे भी ऊपर हुआ, और जो हमारे छोटे छोटे मसले थे वो हमने डॉक्टर साहब जी को बताए। और जब डॉक्टर साहब मोदी साहब के साथ चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमने वोट डाले हैं वो हमारे वोट सफल हुए हैं, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो डॉक्टर साहब ने हमें अभी बताया कि जैसे बनी से ऊपर शत्रकला 4000 करोड़ का जो रास्ता दिया भद्रवाह की ओर, तो मुझे लगता है कि जो लाख या 2 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ के काम जो हमारे छोटे छोटे काम हैं वो मुझे नहीं लगता कोई हमारा काम रहेगा। तो आज हमने डॉक्टर साहब को मुबारकबाद दी और जो हमारे छोटे मोटे काम थे वो भी हमने उनको बताया, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो बातें सुनी, और उस पर उन्होंने बोला कि आपका एक एक काम सरपंच साहब जरूर होगा। तो इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और डॉक्टर साहब का भी, और हमारे बहुत से पंच और सरपंच BDC DDC आए थे, सबको खुश करके डॉक्टर साहब ने जो जो उनकी डिमांड थी वो पूरी की। अब आप जीतकर तीसरी बार MP बने हैं और आज जम्मू में हैं, और मैंने देखा बहुत सारे डेलीगेशन आपसे मिलने के लिए आए हैं, कैसा रिस्पॉन्स है आम लोगों का आपके प्रति? नहीं, हमने ये कई वर्षों से इस तरह की एक पद्धति का पालन करते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के दूर दराज के क्षेत्रों के पंच सरपंच जो निचले दर्जे के हमारे प्रतिनिधि हैं उनको या हम जम्मू अपने कार्यालय में आमंत्रित कर लेते हैं या फिर कभी कभी दिल्ली भी उनको
व्यवस्था करके वहाँ बुलाया जाता है, उनके साथ प्रीत भोज होता है, उनकी बातें सुनने का कुछ इनपुट्स भी हासिल होती हैं और कुछ किस प्रकार से क्षेत्र में कामकाज चल रहा है उसके विषय में भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। और उसी सिलसिले को लेकर के आज हमारे पास कठुआ, जसरोटा, हीरानगर, बसोली, बन्नी, बिलावर, जगह जगह से पंच सरपंच विशेषकर, क्योंकि आपने देखा होगा गत 10 वर्षों से हमारा यही कार्यशैली रही है कि जो निचले दर्जे के हमारे जनप्रतिनिधि रहते हैं उनके साथ सीधा सीधा संपर्क रहता है, क्योंकि वही हैं जो ग्रास रूट पे लोगों के साथ जुड़े भी रहते हैं और वहाँ की दिक्कतें भी समझते हैं। कुछ उस तरह का बड़ा दरबार लगा करके उस तरह से लगाने की हमने पद्धति का वो पालन नहीं किया, क्योंकि यही लोग हैं और इलेक्शन की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से भी इन्हीं का प्रभाव रहता है मतदाताओं पर भी, और यही कारण है हमारे जो भी परिणाम सुखद रहे हैं पिछले 3 बार। मोदी साहब चला दे।